नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा में नगर निगम महापौर एवं पार्षद पद के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर रीवा में चल रही रिवर फ्रंट योजना का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सुनिए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी का बयान। कि इतना पैसा शासन से हम किसी प्रयास से ला सकते थे, इसी सामर्थ्य ने खेल किया। किसी एक व्यक्ति के कारण, जो रीवा में भाजपा का सामर्थ्यवान व्यक्ति था रीवा विधानसभा में काम करने के लिए, उसके सामर्थ्य से ये पैसा आया। पार्टी फेल हो चुकी है, 26 करोड़ का काम कर चुकी है। सीबीसी का गाइडलाइन है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी पैसा अगर 2 लाख से ऊपर खर्चा करना है तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, नया अनुबंध करेंगे। पिछला पैसा पूरा हजम हो गया, 7 करोड़ की लगभग बुकिंग हो चुकी है। सरकार को पावर है कि इसी स्थिति में वो टेंडर टर्मिनेट कर सकती है, पर चूंकि किसी विधायक के चहेते व्यक्ति को टेंडर मिला है, इसलिए टेंडर निरस्त नहीं किया जाएगा। अब मुआवजा बटेगा और टेंडर उसी व्यक्ति के पास रहेगा। और सीधा फायदा देखिए, ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है 37 + 26 = 64 करोड़ रुपये। मैंने पहले कहा कि आप अगर ये जमीन आज के रेट पर खरीदेंगे 180 करोड़ की बिकेगी, अब 180 - 64, इतना सीधा फायदा बिल्डर को हुआ है। इस पैसे की बंदरबांट या सिंडिकेटेड मिलकर के क्राइम, जो सरकार में ऊपर बैठे पदाधिकारी, यहाँ के सत्ता में रहने वाले सत्ताधारी और वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर के सीधा सीधा 110 करोड़ कहाँ पहुँच गया, नाम बता दिए गए। इन्हीं कारणों से भाजपा का मेयर या भाजपा का कोई प्रत्याशी कोई प्रगति वार्डों में नहीं कर रहा। वार्डों में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, नाली नहीं है। ये 110 करोड़ रुपया अगर आज 45 वार्डों में लगा दिया जाए तो कितना निर्माण हो सकता है। यही आम आदमी पार्टी के करने का तरीका। हम भ्रष्टाचार रोक करके उससे बचे पैसे से ही लोगों को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि हमको पैसा अपनी जेब के लिए नहीं चाहिए। ये सीबीसी की गाइडलाइंस है, पूरा मैनुअल है 421 पन्ने का। मेरी उम्मीद है आप लोग स्थानीय विधायक स्थानीय नेताओं को पहुंचाएंगे, इसकी गाइडलाइंस पढ़ लें कि ये टेंडर राइट अवे निरस्त कर करके और सारी पूंजी वापस कराने लाए। दिक्कत यही है कि रीवा में कोई कानून के लिए अवेयर नहीं है, अपने अधिकारों के लिए चिंतित नहीं है, अपने जेब से दिए गए पैसे की जवाबदेही नहीं मानता। हम ये प्रवृत्ति और ये कल्चर बंद करना चाहते हैं कि सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का चक्र चलता रहे, ये हम नहीं चाहते। बात यह है कि हम उसमें खुदाई नहीं करवा पाए 25 साल, तो आई लव यू रीवा लिपस्टिक है, बरसात में ढह जाएगी। पीछे वेंकट भवन खड़ा है आपकी प्रगति की प्रोग्रेस देखने के लिए, आपकी नियत देखने के लिए। को 8 साल हो गए राजनीति में आए हुए, पैदा होने के दिन से कहा था करप्शन खत्म करेंगे। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के खिलाफ हम पैदा हुए हैं, करप्शन को भारत की भूमि से ख़त्म करने के लिए हम खड़े हुए हैं, यही हमारा प्रमुख एजेंडा 8 साल से। हम कोई चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम 365 दिन सत्ता में जो लोग हैं उनके द्वारा किए जा रहे करप्शन में और आपके द्वारा दिए जा रहे टैक्स को यहाँ वहाँ लुटाने के खिलाफ काम कर रहे हैं। हर सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है आपके टैक्स से, ये प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, आपके पैसे से चलता है, कोई राजेंद्र शुक्ला जी या शिवराज जी के पॉकेट से नहीं चलता है, उल्टा यहाँ से पैसा उनके पॉकेट में भी जाता है। हम सख्त हैं इस मामले में, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि वही आपका धन है, वही आपकी प्रॉस्पेरिटी का एकमात्र साधन है। वो कहीं दूसरी जगह गलत जगहों में जा रहा, पानी में फेंका जा रहा पैसा, 64 करोड़ रुपया पानी में फेंका जा रहा, उस योजना का कोई मतलब नहीं। आप में से कोई, सभी साथी अवेयर हैं, सभी नेताओं को देखते हैं, एक आदमी बता दे उससे लाभ क्या है। साबरमती के तर्ज पर रीवा बनेगा, बिछिया को साबरमती नहीं बना सकते आप, अन्ना साबरमती को बिछिया बना सकते हो, बिछिया के लिए बिछिया का ही प्लान बने। इंजीनियरिंग कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, कोई तो इसको अप्रूव कर दे कि इस प्रोजेक्ट की 64 करोड़ की उपयोगिता क्या है। वार्ड नंबर 40 की बस्ती देखिए, निराला नगर की बस्ती देखिए, मानव और जानवर में कोई फर्क नहीं। मानव जब से पैदा हुआ है तब से कोई छाया और बिस्तर बना के सोता है, जानवर ऐसा नहीं करते हैं, वहां बिल्कुल एक जैसी स्थिति में सबके सब सो रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर को बुला करके पूछ लीजिए कि रिपोर्ट दे दो, कितना हाइजीन है, कितना ह्यूमन के रहने के लिए फिट जगह है ये बस्तियां। हम मानव कल्याण नहीं कर रहे हैं तो सरकार में हमारे होने का मतलब क्या है? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
रीवा जनता आपको वोट करे इसके लिए आप क्या जनता को कैसा संदेश? हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, हम कह रहे हैं इतने संसाधन नगर निगम के पास थे, अगर हमारा मेयर बनता है इसी संसाधन से हम 10 गुना बेहतर रीवा करके आएंगे। आई लव रीवा। जो 37 करोड़ का मुआवजा राशि आई है उसकी खबर दैनिक भास्कर ने अपने पेज नंबर 2 में छापी है। हम धन्यवाद देते हैं भास्कर ग्रुप को जो समय समय पर ऐसी गंभीर विषय जो इशारा करके छापती है, सीधे वायलेंट विरोध नहीं करती है, पर जो समझदार लोग हैं इस विषय को और एनालिसिस करके जनता के पास रखना चाहते हैं। ये योजना शुरू हुई थी, इसका कार्यादेश हुआ 2019 में, 24 महीने का टाइम था, मई 31 में इस योजना को ख़त्म कर लेना था, मई 21 से आज तक की स्थिति में केवल 30% काम इसका हुआ है। इसके एवज में एक ज़मीन दी गई थी, जो ठेकेदार आए थे शायद बंसल ग्रुप को ये ठेका हुआ, पुराना इरिगेशन का ऑफिस था बजरंग नगर, उसकी आज मार्केट वैल्यू उनको फोन करके पूछ लीजिए, वो जमीन बेचना चाहते हैं 180 करोड़ रुपए उससे मांगते हैं, जिसको भी वो जमीन खरीदनी है इट्स ऑन सेल, प्राइस है 180 करोड़। रिवर फ्रंट योजना शुरू हुई 26 करोड़ से, 1600 मीटर का रिवर फ्रंट बनना था, छोटी पुल से बड़ी पुल से बाई तरफ 1600 मीटर एक तरफ, 1600 मीटर दूसरी तरफ, जमीन होनी थी 15 मीटर जो नदी के किनारे से 15 मीटर तक दूर है। ये एनजीटी का लैंड होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस के हिसाब से 15 मीटर में कोई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर सकता, उसके बाद भी योजना लॉन्च की गई। उसके बाद जो गंभीर विषय है वो ये समझने का है कि इसमें सरकार के साथ मिलकर के रीवा के स्थानीय विधायक किस तरह से पैसे की लूट करवा रहे हैं, इसके बारे में हम जागरूक करना चाहते हैं। 26 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है उसमें 1 मीटर लंबाई आपको पड़ रही है 81 लाख रुपए में, वहाँ पर जहाँ पर कोई निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज जिनको कहते हैं नदी नाला तालाब, वो उनका इकोसिस्टम का पार्ट होता है। नदी में अगर एक गेंगा है या मेंढक है तो नदी के किनारे आएगा, प्रजनन और ब्रीडिंग ये सब के काम करते हैं, वो इकोसिस्टम को हम नहीं छेड़ सकते। ये भारत सरकार ने विश्व के सभी सरकारों के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है और वेट लैंड एक्ट बनाया है। अब रीवा को इस योजना से क्या लाभ हो रहा होगा और क्या कमियाँ हैं? जब ठेका दिया गया तो ठेके में बताया गया कि 1600 मीटर लैंड बनाएगा के किनारे, नदी के किनारे सौंदर्यीकरण करना है। ठेका कोई दूसरा ठेकेदार ना ले, उनके द्वारा चिन्हित ठेकेदार ले, इसलिए उस समय भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। हम भी पार्टिसिपेंट होना चाहते थे, हम जब गए वहां पर तो हमने देखा जमीन सरकार के पास नहीं है, प्राइवेट पार्टी से कब्जा है, प्राइवेट पार्टीज के ओनरशिप का लैंड है। कोई ठेकेदार इतना पैसा फंसा के उस प्रोजेक्ट में इस अनिश्चितता में कॉन्ट्रैक्ट नहीं डालेगा कि जमीन ही नहीं है काम करने के लिए। ये प्रावधान था उनको सुविधा देने के लिए, जिनसे ये बिड करवा के टेंडर अच्छे रेट में जिनको देना चाह रहे थे, अपने चिन्हित लोगों को। नियम है भारत मध्य प्रदेश सरकार के, जो भी नियम होते हैं निर्माण से संबंधित वो PWD के माने जाते हैं, सभी डिपार्टमेंट PWD बनाए कानून का पालन करती है। ये PWD का सर्कुलर है 2017 का, जो ये कहता है कि ऐसा कोई भी ठेका प्रकाशित तो नहीं किया जाएगा जिसकी कम से कम 90% भूमि अधिग्रहित तो ना हो चुकी हो, जनता को उसका मुआवजा ना बढ़ चुका हो, ऐसी टोटल जमीन 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम है तो आपको अधिकार नहीं है कि आप एग्रीमेंट करें या वर्क ऑर्डर जारी करें। तो ये टेंडर एक सोची समझी साजिश के तहत एक्सेप्ट करा लिया गया इस कानून को दरकिनार करते हुए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या किसी वर्क्स डिपार्टमेंट को ये पालन करना मैंडेटरी है, आवश्यक। उसके बाद जब सभी रीवा से खबर समय जगत के लिए बालकरण पासी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।